रावलपिंडी से 14 किलोमीटर की मुसाफत पर गोलड़ा रेलवे स्टेशन वाके है। दीदाजेब और दिलकश पत्थरों से बना ये स्टेशन विक्टोरियन फने तामीर का अमीन है। इस्लामाबाद से कुर्बत ने 2004 में गोलड़ा स्टेशन को रेलवे अजायब घर में तब्दील कर दिया। रेलवे से व्यवस्था तमाम मतरूक अशिया जूं की तूं लाकर यहाँ रख दी गई हैं, जो सयाहों को अपने शानदार माजी के दिलचस्प किस्से सुनाती हैं। कि जो तारीखी अहमियत है वो पीर साहब जो मेहर अली शाह साहब हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा, वो यहाँ पे आया जाया करते थे। स्टेशन के खमीदा छत बरामदे तले जम्बू साइज की घड़ियाँ आवेजा हैं। इनकी रुकी हुई सुइयाँ इस दौर की याद दिलाती हैं जब ट्रेनें वक्त पर पहुँचा करती थीं और लोग गाड़ियों की आमद पर घड़ियाँ सही करते थे। अजायब के इस मेले में दो परों वाले पंखे और हीटर भी हैं और टेलीफोन की अजीबोगरीब इकसाम भी। 24 स्टैंड पर टंगे ओवरकोट और हैट की नफासत देखकर यूं लगता है जैसे अभी कोई इन्हें यहाँ टांग गया है। हमारी नई आने वाली नस्ल और हम जैसे नौजवानों को ये पता चलता है कि हमारे रेलवे का माजी कितना ताबनाक था। चीज बना हुआ है या कुछ दरख्त लगी हुआ है ये उन पहले लोगों की है, तो हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो भी हमें याद रहे या अगले नस्ल को याद रहे। स्टेशन पर नस्ब ये आहनी घंटी जो कभी ट्रेनों की आमदोरफ्त के मौका पर बजा करती थी अब सर नेवाड़े गहरी सोच में गुम है। रेल तो अब भी आती और जाती है मगर इसकी सुइयां वक्त का दामन छोड़ चुकी। प्लेटफार्म पर इस्तराहत के लिए बेंच भी मौजूद हैं। सर ऊपर उठाएं तो पीपल और बरगद के दरख्त सर जोड़े सरगोशियां करते नजर आते हैं। शाम ढले परिंदों की चहचहाहट स्टेशन को सर पर उठा लेती है। पीपल और बोर्ड के दरख्त इस स्टेशन पर एक कतार में आपको मिलेंगे जो एक पुरानी तारीख याद कराते हैं। तकरीबन इनकी उम्रें 150-150 साल की उम्रें हैं और ये दरख्त हिंदुओं और सिखों के नज़दीक मुकद्दस दरख्त हुआ करते थे। महाराजों और वासराय हिंद के जेर इस्तेमाल रहने वाली सैलून कारें भी यहाँ खड़ी अपने शानदार माजी पर दाद तलब कर रही हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं रेलवे में इस्तेमाल होती थी ब्रिटिश पीरियड में, वो हमने यहाँ पर ला के रखी हैं ताकि वो लोग इसको देखें। मीडिया जो है इसमें रोल प्ले करें अपना ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें ट्रेनों में। अजायब घर में रेलवे इर्तिका की कहानी मुख्तलिफ मोनोग्राम्स की सूरत बयान की गई है। 1861 में सिंध रेलवे और फिर दिल्ली रेलवे वजूद में आई। तकसीम हिंद के बाद मगरबी पाकिस्तान रेलवे का क्याम अमल में आया जो सिमटते सिमटते महज पाकिस्तान रेलवे रह गई है। हर चंद के रेलवे का हाल काबिल बयान नहीं लेकिन माजी की तरह हाल भी दुरुस्त पटरी पर डाला जा सकता है। गोलड़ा रेलवे स्टेशन बरसगीर में रेलवे के ताबनाक माजी की एक दरख्शां अलामत है। यहाँ मौजूद ये तारीखी विरसा इस बात का सबूत है कि माजी में रेलवे के निज़ाम ने कितनी तरक्की की। इस तारीखी विरसे की हिफाजत तरवीज और तरक्की हुकूमत के साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है। कैमरामैन मुदस्सर दाऊद के साथ फयाज राजा, समा, गोलड़ा रेलवे स्टेशन, इस्लामाबाद।